हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शैलेश से आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का न्यू चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। तो देखिए दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो एसिड और बेस के बारे में, कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो एसिड क्या होता है देखिए, दिस आर सॉल्ट इन टेस्ट, मतलब एसिड जो होते हैं वो खट्टा होता है टेस्ट में। क्या होता है दोस्तों? खट्टा। तो आपने देखे होंगे, आप खट्टी चीजें कौन कौन से, नींबू खाए हो कभी, है ना, वो कैसा होता है? खट्टा, एकदम ऐसा खट्टा लगता है नींबू खाने के बाद। ठीक है, उसके बाद इमली खाए होंगे, है ना, वो भी क्या होती है? खट्टी होती है। तो ये सब क्या है? एसिड्स होते हैं। मतलब एसिड का टेस्ट क्या होता है दोस्तों? खट्टा होता है, मतलब सॉल्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है उसका, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। तो देखिए, एक लिटमस पेपर होता है, मार्केट में जाओगे जनरल बुक डेपो में वगैरह मिल जाएगा, वो अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप उस लिटमस पेपर को अगर एसिड के कांटेक्ट में लाओगे तो वो क्या हो जाएगा? रेड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नाउ दे गिव एच पॉजिटिव आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है? तो एक्वियस सॉल्यूशन मींस वाटर सॉल्यूशन। क्या होता है दोस्तों? वाटर सॉल्यूशन। तो देखिए दोस्तों, जितने भी एसिड है अगर आप उसे एक्वियस सॉल्यूशन में डालते हो, डिसॉल्व करते हो एक्वियस सॉल्यूशन के साथ, तो वो हमें एच पॉजिटिव आयंस देंगे। क्या देंगे दोस्तों? एच पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो सबसे बेस्ट वे अगर हमें पता करना है कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है, मतलब सबसे पहले तो एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम सभी चीजों को टेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि सभी क्या है? केमिकल्स है, और कुछ केमिकल्स हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो सभी केमिकल्स को हम टेस्ट कर सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं टेस्ट कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे? उन्हें एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा अगर वो एच पॉजिटिव आयंस हमें दे रहा है तो हम बोलेंगे कि ये क्या है? एसिड है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जांपल दिए हमारे एसिड के दोस्तों, क्या है? HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद एसिडिक एसिड, जिसे हम विनेगर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड और साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जो नींबू हम खाते हैं, लेमन या ऑरेंज खाते हो आप, तो वो होता है साइट्रिक एसिड। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, हम कुछ रिएक्शन देखते हैं एक्वियस सॉल्यूशन के एसिड की, जो हमें एच पॉजिटिव आयंस देते हैं। तो देखिए दोस्तों, सपोज हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैं वाटर में डिसॉल्व कर रहा हूं, मतलब एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहा हूं, तो हमें क्या मिलेंगे? एच पॉजिटिव आयन प्लस सीएल नेगेटिव आयंस। ओके दोस्तों, अगेन H2SO4 हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा दोस्तों? एच पॉजिटिव प्लस SO4 को नेगेटिव। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, यहां हमें क्या मिल रहा है? एच पॉजिटिव आयंस, मतलब हम बोल सकते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? ये है हमारे एसिड्स। ठीक है, नाउ इसमें दो टाइप के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड क्या होते हैं, तो डिस्कस करेंगे दोस्तों। पहले स्ट्रॉन्ग एसिड तो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग एसिड अब क्या होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जिसे हम एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद मैक्सिमम अमाउंट में एच पॉजिटिव आयन देते हैं। मतलब देखिए, सबसे पहले तो कोई भी एसिड को एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद एच पॉजिटिव आयन मिलते हैं, बट स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो हमें एक्सेस अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में एच पॉजिटिव आयन देते हैं। तब जब हम उसे एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तब, तो उन एसिड को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और वीक एसिड किसे कहेंगे? जो एसिड एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद हमें थोड़े लेस क्वांटिटी में एच पॉजिटिव आयन देंगे, उन्हें हम कहेंगे वीक एसिड। तो देखिए दोस्तों, इनमें HCl और H2SO4 ये है स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड है हमारे ऑक्सैलिक एसिड, साइट्रिक एसिड और एसिडिक है, CH3COOH, एसिडिक एसिड विनेगर भी कहा जाता है जिसे। ठीक है, और साइट्रिक एसिड जो लेमन में पाया जाता है, उसके बाद या लेमन या ऑरेंज बोल सकते हो आप, उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड, ये है हमारे वीक एसिड। अब दोस्तों हम बात करेंगे बेसिस के बारे में। तो बेसिस क्या होता है? देखिए, दिस आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मीन्स कड़वा। कोई भी चीज अगर टेस्ट करने के बाद हमें कड़वी लगती होगी तो वो होता है बेसिस। तो ऐसी कौन सी चीजें दोस्तों जो आप खाने के बाद आपको कड़वी लगी है?
साबुन का कभी टेस्ट करके देखना दोस्तों, वो आपको कड़वी लगेगी, कड़वाहट है ना। उसके बाद बेकिंग सोडा खाकर देखना कभी, वो भी आपको थोड़ा हल्का सा ऐसा कड़वट लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो वो होते हैं बेसिस जिनका टेस्ट क्या होता है, बिटर होता है। ओके दोस्तों, तो बेसिस क्या करते हैं, तो दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, मतलब अगर रेड लिटमस पेपर हम बेसिस में डालेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, मार्केट से या दुकान शॉप से आप लिटमस पेपर लेकर आइएगा और रेड लिटमस पेपर को बेसिस, मतलब क्या होता है, सोप सॉल्यूशन है ना, निर्मा पानी है ना, तो उसमें डालकर देखिए, आपको उसका कलर ब्लू होते हुए दिखेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखिए। उसके बाद क्या बोला है, दे ग्यू OH आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन, तो मतलब जिस तरह एसिड हमें एक्वियस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व करने के बाद हमें H पॉजिटिव आयन देता था, उसी तरह बेसिस को जब हम एक्वियस सॉल्यूशन बोले तो वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल है दोस्तों, और एक ये हमेशा सोपी रहता है, मतलब जो बेसिस होते हैं वो हमेशा सोपी रहते हैं, मतलब सोप के जो सॉल्यूशन रहते हैं फेस सोप की उस टाइप के रहते हैं ना। सो उसके कुछ एग्जांपल्स है दोस्तों, NaOH है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड COH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एग्जांपल है बेसिस के। तो दोस्तों इसमें भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और वीक बेसिस होते हैं, तो ये देख लेते हैं कुछ रिएक्शन वाटर के साथ इनकी। क्या कहा था हमने, NaOH को हम जब एक्वियस सॉल्यूशन में डालेंगे, NaOH हम जब एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे मतलब वाटर में, तो हमें क्या मिलेंगे, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं अगर हमें एक आधा केमिकल एक्वियस सॉल्यूशन में डालने के बाद OH नेगेटिव आयंस प्रोवाइड कर रहा होगा तो हम बोलेंगे वो क्या है, बेस है। ओके दोस्तों, सिमिलरली KOH को हम लिख सकते हैं KOH जब एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। तो देखिए दोस्तों यहां हमें क्या मिल गए, OH नेगेटिव आयन मिल गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों बेसिस में भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं और वीक बेसिस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद जो हमें मैक्सिमम अमाउंट में OH नेगेटिव आयन देंगे, क्या देंगे, मैक्सिमम क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयन देंगे, वो होंगे हमें स्ट्रॉन्ग बेस। क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद जो केमिकल जो बेसिस हम एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और वो हमें कम क्वांटिटी में या लेस क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयन देंगे तो उसे कहेंगे हम वीक बेसिस। क्या कहेंगे, वीक बेसिस। तो देखिए दोस्तों इसमें का जो NH4OH है ये है हमारा वीक बेसिस। क्या है ये, वीक बेस, क्योंकि इसको वाटर एक्वियस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने के बाद ये हमें लेस क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड करता है, इसलिए वो क्या हो गया, वीक बेसिस। उसके बाद दोस्तों बेसिस में एक और कांसेप्ट आता है अल्कली। क्या होता है, अल्कली। यहां भी अल्कली वर्ड आ गया दोस्तों, तो समझ लेना हो किससे रिलेटेड है, बेसिस से रिलेटेड है। ओके दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अल्कली अब क्या होता है, तो देखिए बेसिस जितने भी होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो गए। ठीक है, कुछ बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, तो ऐसे बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन्हें कहा जाता है अल्कली। क्या कहा जाता है, अल्कली। अल्कली किसे कहा जाता है दोस्तों, जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है अल्कली। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर में हमें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये कंसेप्ट क्लियर रखिए, इसके बाद हम उसको आगे का डिस्कस करेंगे, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम रिएक्शन पढ़ेंगे एसिड की मेटल के साथ, बेसिस की मेटल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो बाकी सब हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर के बारे में। तो देखिए दोस्तों इंडिकेटर्स क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो दीज आर द केमिकल्स व्हिच चेंजेस देयर कलर और स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स। जब ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरे केमिकल के कॉन्टेक्ट में आने पे क्या होता है, या तो उनका कलर चेंज होता है या तो उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। ठीक है, तो इंडिकेटर्स के कुछ टाइप होते हैं। ठीक है, तो पहला है नेचुरल इंडिकेटर्स। दोस्तों नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचर में अवेलेबल है। ठीक है,
देखिए दोस्तों, ऐसे कौन से इंडिकेटर है जो नेचर में अवेलेबल है? लिटमस पेपर है, टर्मेरिक, ये क्या है? नेचुरल है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आता है, जब लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालेंगे तो क्या होता है, हमने पढ़ा है, उसका कलर रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रेड, ठीक है। लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। और लिटमस पेपर अगर बेस के कांटेक्ट में गया तो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये कैसे याद रखेंगे? देखो, बेस के कांटेक्ट में मतलब बी, इसका बी तो ये भी बी, मतलब बेसिस के कांटेक्ट में जाने पर वो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ओके दोस्तों, टर्मेरिक, टर्मेरिक दोस्तों अगर हम एसिड के कांटेक्ट में डालते हैं एसिड में, तो वो येलो ही रहेगी, उसका कलर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। एक्चुअली टर्मेरिक ऑलरेडी येलो कलर की होती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम उसे एसिड में डालते हैं तो उसका कलर येलो ही रहेगा। मगर अगर हम टर्मेरिक को, हल्दी को बेस के कांटेक्ट में लाते हैं, बेसिस में डालते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? उसका कलर हो जाएगा दोस्तों रेड। क्या हो जाएगा? रेड। तो घर में आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, हल्दी का टुकड़ा लीजिए, टर्मेरिक का, और उसे साबुन के पानी में डाल के देखिए और बताइए कि उसका कलर रेड होता है या येलो रहता है। उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ओके दोस्तों, नाउ सेकंड टाइप ऑफ इंडिकेटर है दोस्तों, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ये केमिकल इंडिकेटर्स है जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं या लैब में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो उसके एग्जाम्पल है दोस्तों मिथिलिन ऑरेंज। क्या है दोस्तों? मिथिलिन ऑरेंज। ये क्या होता है? मिथिलिन ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालते हैं, क्या करते हैं? मिथिलिन ऑरेंज को अगर हम एसिड में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा? उसको रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेड। और अगर हम मिथिलिन ऑरेंज को बेसिस में डालते हैं तो उसका कलर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? येलो, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मिथिलिन ऑरेंज को अगर हम एसिड में डाल रहे हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और अगर हम उसे बेसिस में डाल रहे हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो, ठीक है। जैसे एप्पल कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। और बनाना होता है येलो कलर का। तो एप्पल मीन्स, ए मीन्स एसिड, एसिड में मिथिलिन ऑरेंज का कलर कौन सा रहेगा? रेड, क्योंकि एप्पल का कलर होता है रेड। एप्पल मीन्स ए फॉर एप्पल, ए फॉर एसिड, आर फॉर रेड, ओके। और बनाना, बनाने का कलर कौन सा होता है दोस्तों? येलो। इसलिए मिथिलिन ऑरेंज को अगर हम बेसिस में डालेंगे तो क्या कलर हो जाएगा उसका? येलो, क्योंकि बनाना मीन्स बेस, बी फॉर बनाना, बी फॉर बेस। और मिथिलिन ऑरेंज को हम बेस में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा दोस्तों येलो। उसके बाद है दोस्तों फेनोल्फथलीन। क्या है दोस्तों? फेनोल्फथलीन। ये किसका एग्जाम्पल है? सिंथेटिक इंडिकेटर का। तो देखिए दोस्तों, फेनोल्फथलीन को अगर हम एसिड में डालते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता। अगर हम इसे एसिड में डालते हैं तो नो चेंज इन कलर, नो कलर चेंज, ठीक है। उसका कलर चेंज होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर हम फेनोल्फथलीन को बेसिस में डालते हैं तो उसका कलर हो जाएगा दोस्तों पिंक। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका कलर पिंक। फेनोल्फथलीन को अगर हम बेसिस में डालते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक, ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिए। उसके बाद है दोस्तों थर्ड टाइप ऑफ इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या है? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो ऐसे इंडिकेटर, ऐसे केमिकल जिनका कलर, जिनका ऑर्डर, सॉरी, जिनका ऑर्डर या स्मेल चेंज हो जाती है विद एसिड और बेस। मतलब उसको अगर हम एसिड के कॉन्टेक्ट में लाएंगे या बेस के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो उनका स्मेल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, उसका पहला एग्जांपल है वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस जो फैक्ट्री में यूज किया जाता है, आप आइसक्रीम खाते होंगे वैनिला फ्लेवर की, ओके। तो फ्लेवर, एक फ्लेवर ऐसा यूज किया जाता है कंपनी में, है ना, आइसक्रीम कंपनी में, वैनिला एसेंस। तो वो क्या होता है? अगर वैनिला को हम एसिड के कॉन्टेक्ट में लाए, क्या किए, वैनिला अगर एसिड के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसकी स्मेल क्या हो जाती? इंक्रीज हो जाती, उसकी स्मेल ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगी? उसकी स्मेल इंक्रीज हो जाएगी। और उसे हम बेसिस के कांटेक्ट में ले जाते हैं तो उसकी स्मेल खत्म ही हो जाएगी, मतलब स्मेल ही नहीं रहेगी उसमें, नो स्मेल, ठीक है। कब? अगर हम इसे बेस के कांटेक्ट में लाते हैं तो, बेसिस के, ओके। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है दोस्तों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का, क्लो ऑयल। क्लो ऑयल मीन्स लौंग का तेल। क्या होता है? क्लो ऑयल मीन्स लौंग का तेल। तो देखिए दोस्तों, अगर इसे हम
एसिड के कांटेक्ट में लेकर जाते हैं इसे लो ऑयल को, तो क्या होगा इसकी स्मेल इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी इसकी स्मेल इंक्रीज? कब होगी? जब इसे हम एसिड के कांटेक्ट में लेकर जाएंगे तब। उसके बाद दोस्तों अगर इसे हम बेसिस के कांटेक्ट में ले जाएंगे तो इसकी स्मेल डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे इंडिकेटर्स और उसके टाइप, ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो और दोस्तों एक चीज है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड के बारे में बताना रह गया है। तो देखिए दोस्तों, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? तो ऐसे एसिड जिसमें एसिड का परसेंट ज्यादा होता है और वाटर का परसेंट कम होता है उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। ऐसे एसिड जिसमें परसेंटेज ऑफ एसिड इज मोर देन वाटर प्रेजेंट, देन दिस इज कॉल्ड एज अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। और डाइल्यूटेड एसिड यानी क्या होता है? डाइल्यूट एसिड मीन्स ऐसे एसिड जिसमें वाटर का परसेंट ज्यादा होता है, एसिड का परसेंट क्या होता है? कम होता है, उसे कहते हैं डाइल्यूट एसिड। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है। ओके दोस्तों।